डिप्रेशन वाली बात होती तो भी लगता है ना कि कितना दुख है, कितने अकेले, कितने उदास है, कितनी परेशानी मेरे पे है। लेकिन उस टाइम पे एक ही बात जहन में आती है कि तूने किसी के लिए अच्छा किया है। किसके लिए अच्छा किया है? उन पक्षियों के लिए अच्छा किया है। तूने उसके लिए पानी रख किया है, तूने उसके लिए दाना रख किया है, वो तुझे दुआ देंगी। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोहि वीरू ब्लॉग। आज की वीडियो में ब्लॉग नहीं बल्कि आप लोगों की हेल्प चाहिए, और वो भी ऐसी हेल्प जो आप लोग कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, निस्वार्थ भावना से कर सकते हैं। और वही निस्वार्थ भाव से किया गया जो है सेवा, हेल्प, प्रेम कहलाता है। अगर आप सभी प्रेम करते हैं सच्चे दिल से, तो प्लीज़ पक्षियों के लिए पानी रखिए, छत पे, बालकनी में, रोशनदान में, मेन गेट पे, मेन दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, चिड़िया, पक्षी, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जो भी चलने वाले, जो भी घूमने फिरने वाले जानवर पक्षी हैं, उनके लिए प्लीज़ पानी रखिए। और आपके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको पानी दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी इतनी चरम सीमा पर है, इतनी बेहाल है, पुणे में भी गर्मी इतनी बेहाल है कि मत पूछिए, हालत ख़राब है सबकी। बच्चे अलग त्रस्त हैं, स्कूल बंद नहीं हुआ है, स्कूल बंद होगा 2 मई को पढ़ा के, 3 मई से। और यहाँ जो ड्यूटी पर है, जो ट्रेन चला रहा है, इंजन में उसकी हालत वैसे ही है, तो ख़राब हो रही है। आइस वाटर लेके जाते हैं मेरे हस्बैंड, आइस वाटर मैं उनको जमा के देती हूँ फ्रिज में से, आइस वाटर, ताकि वो पिघलता रहे, वो पीते रहते हैं। और मेरे बच्चे भी त्रस्त हैं गर्मी से, रोज़ आना डेली। और आप लोग भी त्रस्त होंगे, मुझे पता है, गर्मी जो है ना हर जगह पड़ रही है। तो आप लोग जितना पानी पी रहे हैं उतना ही अपेक्षा करिए कि उतना ही जो है तो जानवरों के लिए भी रखिए पानी, ताकि वो सब भी पी सके। बेजुबान जानवर नहीं बोलने आता उन्हें कि उन्हें पानी चाहिए, दाना चाहिए। आपके पास जो भी वेस्ट है ना, बासी रोटी है, बासी खाना है, और वैसे भी गर्मी में खाना जल्दी ख़राब होता है, तो उसको खाना को ख़राब होने से अच्छा है कि अगर आपको वेस्ट लगता है तो वो खाना रख दीजिए, जानवरों को दे दीजिए, ताकि वो खा सके, भरपेट खा के अपना पानी पी सके। पक्षियों के लिए कुछ दाना रखिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़। आप रखेंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। एक बार आप रख के देखिए कितना सुकून मिलता है, जब पक्षी आते हैं ना और खाते हैं बालकनी में बैठ के, और जब पानी की छींटा, मैंने परात में रखा है पानी, तो जब परात में पक्षी नहाते हैं ना, मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वो बीरू पीछे जो तो डांस कर रही है, वो पक्षी कोई बुला रही है कि आजा आजा मेरी बालकनी में आजा, दाना रखा है, पानी रखा है, आके पी ले, खा ले। सो प्लीज़ आप लोग भी, अगर आप लोग को सुकून चाहिए, प्रेम चाहिए, निस्वार्थ भावना की सेवा है आपके अंदर, सो प्लीज़ पानी रखिए। बहुत तेज़ धूप हो रहा है, अपने छत पे पानी रखिए, अपने बालकनी में पानी रखिए, अपने मेन गेट पे पानी रखिए, कुछ खाने की चीज़ें रखिए जो आप दे सकते हैं, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, उतना दीजिए आप लोग, ताकि वो बेजुबान जानवर भी जी सकें। इतनी धूप में उन्हें खाना चाहिए, पानी चाहिए, छाँव चाहिए, सारा आसरा बना के रखिए प्लीज़। पेड़ पौधों को भी पानी दीजिए, बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, क्या कहूँ मैं, मुझे ज़्यादा कहने नहीं आता है, मुझे समझाने नहीं आता है, मैं सिर्फ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि हर आधे घंटे पे हम लोग पानी पीते हैं, तो उन बेजुबान जानवरों को कितना फील होता होगा। सेवा सिर्फ गरीब का ही नहीं होता है, सेवा सिर्फ बड़ों का ही नहीं होता है, सेवा सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का ही नहीं होता है, सेवा जानवरों का भी होता है, सेवा पक्षियों का भी होता है। इतनी चिड़िया धूप में उड़ती हैं सब, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, एक बार रख के देखिए, हो सके तो आपके भी छत पे चिड़ियों का बसेरा हो जाए। कुछ छांव कीजिए, कुछ हल्का सा, जो भी बेडशीट वगैरह लगा के, अर्गनीम बांध के, कुछ छांव कीजिए, कुछ वहाँ पानी रखिए, दाना रखिए, देखिए हो सके तो वो चिड़िया भी जो है तो आएंगी, और आपके घर में चींची 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 करके पूरे घर को गुलजार कर देंगी। खाना खा के, पानी पी के, नहा के, उसमें नहाते डुबकी भी लगाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का दिखाऊंगी मेरे पास कितनी चिड़िया आके और उसमें डुबकी लगा के गई हैं। मैंने पक्षियों को अभी पानी और दाना रख के आई हूँ अपनी बालकनी में, और आपसे भी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी।
आजकल फ्रेंड्स इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है कि सभी त्रस्त हैं, जानवर पक्षी इंसान बच्चे सभी त्रस्त हैं। स्कूल भी मस्त चल रहा है, उसमें भी ना कोई छुट्टी होने वाली है नहीं, 1 मई से होगी चाहे 2 मई से होगी छुट्टी। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहाँ भी अपने घर पे, छत पे, बालकनी में, रोशनदान में, खिड़की पे, घर के मेन दरवाज़ा जो होता है, मेन गेट जो होता है, जहाँ से रोड चालू होती है, जहाँ से आपका बाहर का मुख्य दरवाज़ा चालू होता है और वहाँ से आप जब तो घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे जहाँ तक हो सके आप पानी रखिए, दाना रखिए चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, और रोड पर जो जो पालतू पशु घूमते हैं ना, कुत्ते बिल्ली गाय बैल वगैरह, तो उनके लिए भी पानी रखिए और कुछ खाना जो आपका वेस्ट है। ये नहीं कहती कि मैं आप अपना अपनी तरफ से पैसा लगाइए, आपके पास जो भी वेस्ट है प्लीज़ आप उन्हें रखिए जानवरों के लिए, ताकि वो जो है तो उन्हें खा सके और पी सके। इतनी कड़क गर्मी में जो है ना उनको पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग को जितना बन सके धूप में पानी रखिए, जानवरों के लिए पानी रखिए, पक्षियों के लिए पानी रखिए, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। ये बेजुबान जानवर बोलने नहीं आता ना इन्हें कि मुझे प्यास लगी है पानी दो। एक दिन मैं दूध लेने गई थी, तो दूध लेते समय मैं बैठ के गप्पे लड़ा रही थी अपनी भाभी जी से, तो वहाँ पे जो तो एक आंटी आई, एजेस थी, काफ़ी एजेस थी, तो उन्होंने बोला कि एक धार्मिक पुस्तक बेच रही थी, तो वो जो है तो बोली कि अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ कि प्रेम क्या होता है। तो मैं कह कि प्रेम तो वहीं पे होता है जहाँ पे निस्वार्थ भावना से सेवा होती है, वहीं पे प्रेम होता है। तो बोली अच्छा ठीक है। तो फिर बोली कि भगवान क्या होते हैं, हमको जो मन को सुकून दे, जो मन को शांति दे, सच्ची राह दिखाए, सच्चा डिसीजन दे, वही भगवान होता है। अब उनको क्या पता अच्छा लगा नहीं लगा मेरा जवाब। उन्होंने मुझे बुक दिया और कहा कि ये तुम फ्री में ले जाओ पढ़ो। तो वो धार्मिक पुस्तक मेरे पास है, मैंने अभी एक पेज भी खोल के नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर से ना वो नीचे होगा, बेड के नीचे होगा, ले लो। लेकिन मेरे अंदर ना बस यही फीलिंग्स आती है ना फ्रेंड्स, कि घर में आपके केवल आपके परिवार वाले ही आपका सेवा नहीं करते हैं, केवल परिवार के सदस्य ही आपका सेवा नहीं करते हैं, आपकी सेवा ना इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो करते हैं। बहुतों में कौन है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं। कैसे करते वो भी पता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सब्जी देते हैं, सब लकड़ी देते हैं, हर एक चीज़ देते हैं, वो तो पता है आपको। जानवर क्या करते हैं, आपके घर का वेस्ट खाना खाते हैं, जो आप जो तो कूड़े में फेंकते हैं वो वेस्ट खाना खाते हैं जानवर। तो आपके घर का वेस्ट कहाँ गया, उनके पेट में, उनका पेट भरा। पक्षी क्या करते हैं, वो भी आपके घर का वेस्ट दाना खाते हैं, ताकि आपके घर में जो वेस्ट चीज़ है वो सध जाए, अच्छे से सध जाती है। ये जानवर भी ना हमारे किसी न किसी तरह से हेल्प करते ही हैं। अगर ये नहीं रहेंगे ना तो बारिश नहीं होगी। पशु पक्षी जानवर और पेड़ पौधे और इंसान, जब इनका सर्कल जो है ना एक बराबर रहेगा तभी जो तो बारिश होगी। तभी जो नेचर है ना, नेचर को एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। तो नेचर में बैलेंस कब बनता है, ऐसे ही बनता है कि हर एक वर्ग को पानी दाना खाना मिलता रहे, जो वेज है वेजिटेरियन, जो नॉन वेज है उसको नॉन वेजिटेरियन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो आप लोग ज़रूर हेल्प करिएगा मेरी, और मेरी हेल्प मतलब मेरी बात जितनी हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा सबसे, कि धूप हो रही है यार उन पक्षियों के लिए अच्छा किया है तूने, उसके लिए पानी रख किया है तूने, उसके लिए दाना रख किया है, वो तुझे दुआ देंगी। दुआ लीजिए, दुआ सबकी दुआ लीजिए, सेवा भाव से दुआ लीजिए, वही प्रार्थना है, वही पूजा है, वही दुआ है, सुकून मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। तो ये है चिड़ियों के लिए मल्टी ग्रेन अनाज, और ये मैं दूंगी चिड़ियों को खाने के लिए, ताकि उनको उनका पेट भरे धूप में, और वो भी जो तो अपना जी सके। बहुत ज़रूरी है धूप में उनका केयर करना, बहुत ज़रूरी है। इसको मैं थाली खोज रही हूँ, थाली इसमें दिया जाए, थाली किधर है, दे दे, दे ठीक है, मार्च देंगे। हाँ चलो आप इसी में दे देंगे, लाइट ऑफ कर दी। ये बिल्कुल उसमें हाथ ना डाल बेटा, पीने के लिए है बेटा, साफ पानी रखे पीने का, ये खान कर दे रहे हैं। क्या मिलता है, अभी आएंगे सब चिड़िया कबूतर, क्या मिलता है तब खाने से, खाने से पेट भरता है और पानी से प्यास बुझती है।
समझी। तो इतना देती हूँ, बाकी जब उतना खत्म होगा ना तब और देंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं अंदर, जैसे ही चिड़िया वगैरह आएंगी तो हम लोग रिकॉर्डिंग किया जाएगा, खाली रिकॉर्डिंग। चलो आओ चलो। चिड़ियों के लिए पानी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, चिड़ियों के लिए पानी मैं रखने जा रही हूँ बाहर। क्यों? चिड़िया पिएंगी मगर मैं तभी भी अनाज रख दूँ, सिर्फ भारी तभी भी मैं बैलेंस कर ले रहा हूँ।